इंट्रो से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके मेंस रिया से जरूर बनते हैं, तो उसके लिए ब्रीफ में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. सो टू स्टार्ट विथ एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्या क्या एलिमेंट एक क्राइम में होते हैं? तो ब्रॉडली देखा जाए तो देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम. कितने एलिमेंट्स हैं? चार एलिमेंट्स हैं क्राइम के. सबसे पहले एक क्राइम के लिए जरूरी क्या है? तो सबसे पहले देयर शुड बी अ ह्यूमन बीइंग, देयर शुड बी अ ह्यूमन बीइंग और पर्सन शुड बी देयर. अब ये पर्सन वर्ड किधर डिफाइंड है? तो सेक्शन 11 आईपीसी का डिफाइन करता है पर्सन को. सो सबसे पहले रिक्वायर्ड है क्राइम के लिए एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक पर्सन. सेकंड जो इसका एसेंशियल है दैट इज मेंस रिया. और मेंस रिया का मतलब क्या होता है बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू? मेंस रिया का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंस रिया? दैट्स गिल्टी माइंड. गिल्टी माइंड चाहिए ऑफेंस करने के लिए या क्राइम करने के लिए. माइंड भी गिल्टी होना चाहिए. आपका एक्ट गिल्टी है दैट इज फाइन, बट साथ में माइंड भी चाहिए. तीसरा जो है एसेंशियल वो है आपका एक्टस रियस. और एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट. गिल्टी एक्ट से मतलब है इधर ह्यूमन कंडक्ट का एक कंसिक्वेंस या रिजल्ट. जैसे मैंने किसी व्यक्ति को गोली मार दी, दैट इज अ कंडक्ट ऑफ माइंड कि मैंने किसी को गोली मार दी. अब अगर उस गोली मारने की वजह से मैंने कंसिक्वेंस प्रोड्यूस किया है विच इज प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी, मैंने किसी की डेथ कॉज कर दी है, तो ये सिर्फ एक्टस रियस है. डेथ कॉज कर दी मैंने, दैट इज एक्टस रियस. अब डेथ कॉज मैंने किस गिल्टी माइंड के साथ करी है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दैट मस्ट बी देयर. ये होना चाहिए. एक्टस रियस अपने आप में ऑफेंस क्रिएट नहीं करेगा, उसके साथ साथ मेंस रिया मेरा माइंड भी गिल्टी होना चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तभी मैं लाइबल हूं, अदरवाइज लाइबल नहीं हूं. सिविल में ये जरूरी नहीं है कि हर जगह मेंस रिया हो, बट यहां मेंस रिया रिक्वायर्ड है. इसके बाद अगर आप फोर्थ एसेंशियल की तरफ आएंगे तो इट इज इंजरी टू पर्सन. चौथा क्या है? इंजरी होनी चाहिए. चौथा जो एसेंशियल है वो चाहिए आपको इंजरी. ये चार एसेंशियल क्राइम के होते हैं. इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और जिसको समझना है हमें, वो है ये मेंस रिया या गिल्टी माइंड. इसके बारे में हमें थोड़ा समझना है. अब देखिए मेंस रिया होता क्या है या गिल्टी माइंड, जैसा मैंने कहा एक स्टेट ऑफ माइंड भी चाहिए. किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपने वो एक्ट कमिट किया है? जैसे मान लीजिए आप अपना फोन हाथ में लेके चल रहे हैं, मैं आपके पीछे से आया और मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से मेरा हाथ आपके हाथ में टकराया और आपका फोन नीचे गिरा और टूट गया. अब बताइए कि आईपीसी के अंदर क्या ये एक्ट पनिशेबल होगा? क्या इसके लिए मुझे पनिश किया जाएगा? गलती से हो गया, वो हाथ लगा और फोन नीचे गिरा और फोन टूट गया. इधर पे सिविल लाइबिलिटी बन सकती है. अगर आप सिविल सूट करेंगे तो मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ सकता है आपको फॉर दी डैमेज और लॉस दैट आई हैव कॉज्ड. लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी एज सच नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो नेग्लिजेंस है मेरा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है? मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने वो काम इंटेंशनली नहीं किया, दैट वाज नेग्लिजेंस. स्टेट ऑफ माइंड मेरा है नेग्लिजेंस. और आईपीसी में आप देखेंगे नेग्लिजेंटली कोई भी चीज करने के लिए, नेग्लिजेंस स्टेट ऑफ माइंड के साथ काम करने के लिए आप तभी लायबल होते हैं जब आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर देते हैं. सेपरेट ऑफेंस है डेथ बाय नेग्लिजेंस. उसके अलावा ये जो स्टेट ऑफ माइंड है आपकी नेग्लिजेंस, ये किसी दूसरे ऑफेंस का कॉन्स्टिट्यूइंग एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा. इसीलिए अब ये भी जानना जरूरी है कि इस मेंस रिया में कौन कौन से स्टेट ऑफ माइंड है जो आईपीसी कवर कर रहा है या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो जो जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया था वो एक अलग चीज है, और उसके बाद जो जरूरी है आईपीसी के लिए वो एक अलग चीज है. क्यों समझना इस बात को? आईपीसी इज अ कोडिफाइड लॉ. हर ऑफेंस को यहां लिख दिया गया है, हर ऑफेंस की स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है बिकॉज इट्स अ कोडिफाइड लॉ. तो जो स्पेसिफिक डेफिनेशन किसी भी ऑफेंस की दी गई है उसमें स्टेट ऑफ माइंड को बताने के लिए, स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने के लिए या दर्शाने के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करे गए हैं. जैसे इंटेंशनली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, वॉलंटरिली,
नेग्लिजेंटली, इस तरीके के मैलिग्नेंटली, इस तरीके के टर्म बता दिए हैं कि किस ऑफेंस के लिए कौन सी स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, ये आपको बता दिया आईपीसी ने। इसीलिए आपको अपने से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि यार किस ऑफेंस में कौन सा स्टेट ऑफ माइंड या क्या गिल्टी माइंड रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो भी स्टेट ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर फिजिकल एस्पेक्ट है उस ऑफेंस का, कि किस फिजिकल एक्ट को वो ऑफेंस प्रोहिबिट कर रहा है और वो एक्ट आपने किस मनोस्थिति में किया, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपने वो ऑफेंस किया है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और वो एक्सप्रेसली वहां दिया हुआ है पर्टिकुलर ऑफेंसेस में। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इन जनरल जो मेंस रिया की डॉक्ट्रीन है वो बहुत हद तक एप्लीकेबल आईपीसी जैसे लॉ पे नहीं होगी, बिकॉज इट इज कोडिफाइड, और कोडिफाइड जब लॉ होता है, लिखित जो होता है, उसमें अपने आप में क्लैरिटी होती है। बट इसी से रिलेटेड केस लॉज हैं जिनसे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं अभी मेंस रिया की स्टेट ऑफ माइंड्स पे भी आऊंगा जो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है आईपीसी पढ़ने के लिए, आगे के ऑफेंसेस की जब अपन बात करेंगे उनको समझने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड्स के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है, इंटेंशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, कब चीज नेग्लिजेंटली कही जाएगी और कब वो नॉलेज के साथ कहा जाएगा, इनमें थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट टुडे, उस पर अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मेंस रिया की डॉक्ट्रिन की एप्लीकेबिलिटी थोड़ा सा समझ लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको समझ लीजिए, क्योंकि उनसे सीधे सीधे आपको प्रिलिम्स में सवाल आते हैं। अब ये जो केसेस हैं इनके नाम आपने सुने होंगे, आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉल्सन, ये सब आपने सुने, एम एच जॉर्ज, लेकिन इनको किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, हमें किस आई के साथ हम इन केसेस को देख रहे हैं, डी रेडसन का केस है, किस आई के साथ देख रहे हैं ये समझना है, और किस केस में क्या हेल्ड हुआ, तो आपको याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा और इनसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं प्री में। तो देखिए अब सवाल ये आता है कि जैसा मैंने आपको कहा कि जब नॉन कोडिफाइड है अगर कोई लॉ, तब तो आपको ये दिमाग लगाना है सारा कि भाई क्या स्टेट ऑफ माइंड इसके लिए जरूरत होगी, कौन सा स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। लेकिन जब अपन कोडिफाइड लॉज की बात करते हैं, जब सारी चीज एक ऑफेंस की डेफिनेशन में लिख के आपको दे दी गई है, क्या वहां भी आपको ये दिमाग लगाना है? क्योंकि भाई देखिए मेंस रिया एक एसेंशियल एलिमेंट है, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू मेंस रिया एज वेल, देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस इन इंडियन पेनल कोड जिनके लिए मेंस रिया एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। कई सारे ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें इस इंटेंशन या फिर इस गिल्टी माइंड को बताने के लिए कोई टर्मिनोलॉजी यूज ही नहीं है। जैसे आप किडनैपिंग की डेफिनेशन अगर आईपीसी की पढ़ेंगे, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो आपको समझ में आएगा कोई पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड है ही नहीं। अब इन केसेस में यह सवाल आता है कि भाई हम क्या प्रिज्यूम करें, क्योंकि आप किडनैपिंग की डेफिनेशन आईपीसी में देखेंगे या बायगेमी आप देखेंगे, एक्सप्रेसली कोई ऐसा टर्म नहीं है, या जो पब्लिक न्यूसेंस वाले ऑफेंसेस आप देखेंगे कई जगह, वहां आपको ये चीज मिल जाएगी, जो पब्लिक ट्रैंक्वालिटी इससे रिलेटेड जो नॉर्मली होते हैं, पब्लिक सेफ्टी हेल्थ से रिलेटेड, वहां कोई स्पेसिफिक नॉलेज या इंटेंशन रिक्वायर्ड नहीं होता। आपने अगर वो स्पेसिफाइड एक्ट कमिट कर दिया, चाहे आपने जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो एक्ट कमिट किया हो, वो एक्ट अपने आप में ऑफेंस बन जाता है। इसीलिए वो क्या माने जाते हैं, एक्सेप्शन माने जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया के, कि बिना मेंस रिया के भी वो एप्लीकेबल है। अब जिन केसेस का मैंने आपसे जिक्र किया उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या हैं और क्या उनमें हेल्ड हुआ है, लेकिन ये जानिए कि किस कंटेक्स्ट में अपन उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल अब यहां ये आता है कि जब आप कोडिफाइड लॉ की बात कर रहे हैं, जब आपने एक पर्टिकुलर ऑफेंस की ऑलरेडी एक डेफिनेशन दे दी है, क्लियरली आपने लिख के ये बता दिया है कि इस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। अब मान लीजिए देखिए दो तीन कंडीशन बनेगी कोडिफाइड लॉ में। एक तो वो कंडीशन जहां मेंस रिया को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्सप्रेस प्रोविजन है, एक्सप्रेस कोई टर्म यूज किया गया है। जैसे आप थेफ्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो डिसऑनेस्टली वर्ड इस्तेमाल किया गया है थेफ्ट की डेफिनेशन में क्लियरली। आप मर्डर देखेंगे तो वहां इंटेंशन वर्ड यूज है, नॉलेज वर्ड यूज है। आप मिसचीफ देखेंगे तो दोनों है, इंटेंशन भी लिखा है, नॉलेज भी लिखा है कि इस नॉलेज के साथ आपने ये काम किया या इस इंटेंशन के साथ आपने ये फिजिकल एक्ट किया, तब वो एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो भाई एक्सप्रेसली प्रोविजन में दिया है तब तो मेंस रिया वहां अपन मानेंगे वो हो गई। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिनमें कोई एक्सप्रेस टर्म नहीं है जो मेंस रिया को बताता है, तो उन ऑफेंसेस के केस में क्या रूल एप्लीकेबल होना चाहिए, वेयर देयर इज नो एक्सप्रेस
वर्ड और नो स्पेसिफिक वर्ड टू एक्सप्रेस मेंस रिया। जैसे किडनैपिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप को आप देखेंगे तो वहां कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं, उसमें बस इतना लिखा है कि कोई भी व्यक्ति एक बच्चे को जो 16 साल तक की का मेल या फिर 18 साल तक की फीमेल या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को उसके लॉफुल गार्जियन के कंसेंट के बिना लेके जाता है या इंटाइस करता है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है। अब वो किस इंटेंशन या किस मेंटल स्टेट में ले गया है इससे कोई मतलब नहीं है, वहां एक्सप्रेस कोई टर्म नहीं लिखा। अब यहां सवाल ये आता है कि क्या ऐसे ऑफेंसेस में भी हम ये प्रिज्यूम करें कि भाई उसका कुछ ना कुछ गिल्टी माइंड होना चाहिए तभी लायबल है। अगर उसने ये प्रूव कर दिया अक्यूज ने कि उसका कोई आज सच गिल्टी माइंड नहीं था, वो तो ऐसे ही लॉफुल गार्जियनशिप से किसी बच्चे को ले गया थोड़े समय के लिए, तो क्या हम उसको जाने दें? हम वहां पे ये प्रिज्यूम कर लें कि यार क्योंकि एक्सप्रेसली भले ही कोई टर्म नहीं है किडनैपिंग की डेफिनेशन में, कोई एक्सप्रेस टर्म नहीं है जो मेंसरिया को बता रहा है, लेकिन हमें ये प्रिज्यूम करना है कि मेंसरिया तो यार होना ही चाहिए, बिना उसके तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्या ये प्रेजम्पशन सही है? या फिर इसका कॉन्ट्ररी ओपिनियन है कि ये हो सकता है कि भैया जो लिखा है क्योंकि कोडिफाइड लॉ है तो जैसा लिखा है एज इट इज इंटरप्रेट करिए, जब वहां कोई स्पेसिफिक टर्म है ही नहीं स्टेट ऑफ माइंड को बताने के लिए तो आप अपना दिमाग मत लगाइए कि इसमें कोई गिल्टी माइंड चाहिए, आप तो सीधा सीधा एसेंशियल पढ़िए और वो जो लिखा है एज इट इज आप मानिए। सो द सेकेंड और द लेटर व्यू इज ऑफ मच यूज, और वो यूज होता है प्रेजेंट टाइम्स में कि भैया कोडिफाई का मतलब ही यही है कि वट एवर वॉज रिक्वायर्ड वो लिख दिया गया है, इसीलिए जितना लिखा है आप उतना समझिए बस। अगर उसमें कोई स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, एक पर्टिकुलर एक्ट डिफाइन किया है, आपने अगर वो एक्ट किया तो आप गिल्टी होंगे, दैट्स दी कंक्लूजन। और ये सब किसके बेसिस पे आता है? इन केसेस के। तो अब एक एक करके इन केसेस के बारे में ब्रीफ में बात करते हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा केस मेंसरिया में डील नहीं करता या कौन सा केस इनमें से मेंसरिया में डील करता है। तो जैसा मैंने आपको केसेस के नाम बताए, लिखते जाइए इससे रिलेटेड केसेस भी आप साथ साथ। आर वर्सेस प्रिंस सबसे पहले, इस केस में होता क्या है कि ये जो प्रिंस साहब हैं, ये जो आर वर्सेस प्रिंस है 1875, 1875, इसमें जो ये प्रिंस साहब हैं, ये एक फीमेल को हु वाज बिलो द एज ऑफ 16, अ गर्ल ऑफ बिलो द एज ऑफ 16, इसको ये लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर ले जाते हैं और बाद में जब इनको एबडक्शन के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है तो ये डिफेंस लेते हैं कि हमें पता नहीं था कि उस लड़की की एज इतनी कम है, क्योंकि वो उसको देख के ये लग रहा था कि शी इज अबव 18। सो इस कंसेप्ट, इस मिसकंसेप्शन में, क्योंकि वो देख के हमें लगा कि 18 से ऊपर की, इसलिए हम ले गए। और जो ऑफेंस था वो ये कह रहा था कि 16 से कम होना चाहिए तभी वो ऑफेंस माना जाएगा एज सच, एक पर्टिकुलर ऑफेंस। और इनका ये कंटेंशन था इस केस में कि वो देख के उससे ज्यादा एज की लग रही थी, ठीक, ये कंटेंशन यहां पे था। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि साहब आप गिल्टी हैं, ये कंटेंशन आपका काम नहीं आएगा इन योर गिल्टी। जो तीन जजेस की बेंच थी, दो ने हेल्ड किया कि ये गिल्टी है, यहां पे एज सच नॉलेज का कोई काम नहीं है कि आपको नॉलेज था या नहीं, क्योंकि आप एनीवेज एक इमोरल एक्ट कमिट कर रहे थे और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड कोई पर्टिकुलर रिक्वायर्ड थी कि नहीं। और इसीलिए इन द एब्सेंस ऑफ सच थिंग, जो है जो एक्सप्रेस चीज है उससे ही आपको सिर्फ गिल्टी मान लिया जाएगा। आपका ये कंटेंशन कि आप उसे देख के ये नहीं समझ पाए कि वो लड़की की एज क्या है या उसको आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, ये कंटेंशन माना नहीं जाएगा एंड द accused was held guilty in this case। ऐसे एक दूसरा केस है आर वर्सेस टॉल्सन, ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसरिया से रिलेटेड। दूसरा है आर वर्सेस टॉल्सन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस आर वर्सेस टॉल्सन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 1889। देखिए इस केस में क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं जो अपनी वाइफ को डेजर्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मिस्टर टॉल्सन थे वो जिन्होंने अपनी वाइफ को डेजर्ट कर दिया। काफी टाइम तक वो उनसे मिले नहीं, पता नहीं चला मिस्टर टॉल्सन के वेयर अबाउट्स के बारे में। अब इनकी जो वाइफ थी वो इस मिसकंसेप्शन में, क्योंकि काफी दिनों से
देखा नहीं, पता नहीं कहाँ है। और हाँ, 7 साल नहीं हुए थे, क्योंकि नॉर्मली है कि 7 साल तक किसी व्यक्ति को देखा सुना ना गया हो तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि डेथ हो गई है उसकी, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। बट काफी एक रीजनेबल टाइम तक उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा नहीं, मिली नहीं, और कोई किसी ऐसे व्यक्ति से उनका सामना नहीं हुआ जिसने उन्हें देखा या वो उनसे मिला हो। तो इस प्रजम्पशन में, इनकी वाइफ ने इस प्रजम्पशन में कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, सेकेंड मैरिज कर ली, दूसरी शादी कर ली। और उसके कुछ समय बाद मिस्टर टॉल्सन अपियर होते हैं और फिर मिसेस टॉल्सन को प्रोसिक्यूट किया जाता है फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। इसमें यहां प्रूफ, उन्होंने उनका कंटेंशन ये था, मिस्टर टॉल्सन की वाइफ का कंटेंशन ये था कि दैट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक ऑन माय पार्ट, भाई कहीं कुछ पता नहीं था हस्बैंड का, इसीलिए ये प्रेज्यूम किया कि ही इज डेड और फिर सेकेंड मैरिज परफॉर्म करी। एंड द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड कि भाई साहब ये चीज आप समझिए कि यहाँ पे इनके पार्ट पे कोई एज सच गिल्टी माइंड नहीं है, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ जेन्युइन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह इसे हमें लेना है, और इसीलिए इस केस में देयर वॉज नो कन्विक्शन, देयर वॉज नो कन्विक्शन एंड शी वॉज हेल्ड टू बी नॉट गिल्टी। दैट वॉज द जजमेंट, दैट वॉज आर वर्सेस टॉल्सन, जो बाइगेमी से रिलेटेड केस है। इसी का कॉन्ट्ररी केस, बाइगेमी से रिलेटेड ही एक कॉन्ट्ररी केस है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आर वर्सेस वीट एंड आर वर्सेस स्टोक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर वर्सेस स्टोक, इसमें क्या होता है, इस केस को भी थोड़ा समझिएगा। दिस इज 1921। सिमिलर बायगेमी से रिलेटेड ही केस है, बट वहां ये था कि जो वाइफ थी, जो मिसेस टॉल्सन थी, उन्होंने इस बिलीफ में दूसरी मैरिज परफॉर्म कर ली थी कि उनके पिछले हस्बैंड की डेथ हो गई है। यहां होता ये है कि जो हस्बैंड है, उन्हें वाइफ ने यह चीज इंडिकेट करी कि अब मैं डिवोर्स लेने वाली हूं और जल्दी तुम्हें डिवोर्स के पेपर साइन करने हैं, ये बात वाइफ ने हस्बैंड से कही। अब यहां ये जो हस्बैंड है, इन्हें बहुत ज्यादा जल्दी थी और इन्होंने वो ऑफिशियल डिवोर्स का वेट किए बिना ही प्रिज्यूम कि भाई अब तो डिवोर्स हो ही गया है, वाइफ ने तो बोली दिया है कि जल्दी आपको पेपर मिल जाएंगे, साइन करके मैं दे दूंगी और हमारा डिवोर्स हो जाएगा, इन्होंने जाके दूसरी शादी कर ली, रुक नहीं पाई ये थोड़ी देर। सो ही कमिटेड बाइगेमी। अब यहां पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि दैट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दैट्स अ मिस्टेक ऑफ लॉ एक्चुअली। भाई आपको पता है बायगेमी ऑफेंस है, आपको पता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप दूसरी शादी कर रहे हैं आपका पिछला स्पाउस लिविंग है और उसके बाद भी आप दूसरी शादी कर रहे हैं, टॉल्सन का रेफरेंस इधर लिया गया, बट यहां ये हेल्ड किया गया कि वहां के फैक्ट्स अलग थे। शी वॉज अंडर अ मिसकंसेप्शन कि उनका हस्बैंड मर चुका और जेन्युइन वो बोनाफाइड, मतलब एक गुड फेथ में किया हुआ बिलीव था, क्योंकि कोई ऐसी संभावना जो जो हो सकती थी वो सारी चीजें हुई जिससे पता चल जाए कि हस्बैंड अलाइव है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद शी परफॉर्म बायगेमी, मगर आपने तो इतनी जल्दी ये चीज कर ली जानते हुए कि अभी ऑफिशियली वो चीज हुई नहीं है डिवोर्स वाली आपकी और आपने बायगेमी कमिट कर लिया। सो इन दैट केस ही वॉज हेल्ड टू बी गिल्टी ऑफ बायगेमी। सो ये केस भी याद रखिएगा, ठीक। तो ये तो हो गए आपके केसेस जो कॉमन लॉ से रिलेटेड नॉर्मली हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस है, शेरास वर्सेस डीरटसन, ये भी आप याद रखिएगा, शेरास वर्सेस डीरटसन। सो शेरास वर्सेस डीरटसन का जो केस है, दैट इज 1895 एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए इस केस में होता क्या है, थोड़ा समझना इस चीज को। देर वॉज एन ऑफेंस जिसमें ऑफेंस ये था कि अगर आप किसी व्यक्ति को जो कि ऑफिशियल ड्यूटी पे है, किसी पब्लिक सर्वेंट को जो कि ऑफिशियल ड्यूटी पे है, अगर आप लिकर सेल करते हैं या डिलीवर करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो नौकरी पे है और आपको इस बात का नॉलेज है कि द पर्सन इज ऑन ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी, उस समय अगर आप लिकर प्रोवाइड करते हैं तो दैट एक्ट वाज प्रोहिबिटेड, दैट वाज एन ऑफेंस। ये जानते हुए एक पब्लिक सर्वेंट कि वो नौकरी पे, उसको अगर आपने लिकर दिया तो दैट वाज एन ऑफेंस। अब यहां जो अक्यूज था इसने ऐसा किया था, एक पब्लिक सर्वेंट को, एक पुलिस ऑफिसर को इसने लिकर सप्लाई कर दिया। जब अक्यूज
बना वो जब उसके अगेंस्ट ये प्रोसिक्यूशन चल रहा था, उसका कंटेंशन ये था अक्यूज का कि साहब ये जो पब्लिक सर्वेंट था ये अपनी यूनिफॉर्म में नहीं था, एंड आई हैड नो मीन्स टू कंसीडर और आई हैड नो मीन्स टू रिकॉग्नाइज दैट द पर्सन इज ऑन ड्यूटी। इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ये व्यक्ति ड्यूटी पे है जिस समय हमने इसे लेकर सप्लाई किया। तो इस केस में ये चीज हेल्ड हुई थी कि यस देयर वाज अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पर्सन और वो जेन्युइन है। भाई आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे किसी व्यक्ति को कि वो ड्यूटी पे है या नहीं, तो दैट इज अ फैक्टर कि वो यूनिफॉर्म में नहीं था और उसे उसने ये चीज एक्सप्रेस नहीं करी। इसीलिए जिस व्यक्ति ने उसे लिकर सप्लाई की थी उसके पास कोई मीन्स नहीं था टू नो दैट द पर्सन इज ऑन ड्यूटी एंड ही वॉज हेल्ड टू बी नॉट गिल्टी। जो अक्यूज था ही वॉज हेल्ड टू बी नॉट गिल्टी। सो दैट इज दी अनदर केस विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पर्पज ऑफ मेंसरिया। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कंटेक्स्ट में आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस कंटेक्स्ट में अपन इन केसेस की बात कर रहे हैं। अब अपन अच्छा इसके बाद एक केस और आप नाम बस ध्यान रखिएगा, ब्रेंड वर्सेस वुड, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ब्रेंड वर्सेस वुड ये मॉडर्न टाइम का जो एप्लीकेबल मेंसरिया है उसकी स्टार्टिंग इसे माना जाता है, 1946 का केस है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बस नाम इसका आप ध्यान रखिए। अच्छा इसके बाद एक केस जो इंडियन कोर्ट्स ने जैसे डिसाइड किया है और इंडियन कोर्ट्स ने अप्लाई किया ये इन्हीं इसी तरीके की रीजनिंग, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात जो करी इंडियन कोर्ट्स ने, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस को भी ध्यान रखिएगा, दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो केस है ये है आपका 1965, 1965। देखिए इस केस में क्या होता है, एक साहब है जो ज्यूरिख से मनीला जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये जा रहे थे गोल्ड लेके। इनके पास एक सब्सटेंटिव क्वांटिटी ऑफ गोल्ड था। इंडियन एयरपोर्ट पे भी ये लैंड करे और एक नोटिफिकेशन, जब ये फ्लाई कर रहे थे उसके पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप भारत के थ्रू भी फ्लाई कर रहे हैं और आपके पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज्यादा का गोल्ड या जो भी गोल्ड आप कैरी कर रहे हैं आपको वो बात एक्सप्रेसली बतानी है, अपनी डिटेल्स में आपको ये बात एक्सप्रेस करनी है कि आप कितना गोल्ड लेके चल रहे हैं। और इसमें जो अक्यूज्ड पर्सन था वो उस एक सब्सटेंटिव क्वांटिटी का गोल्ड लेके ट्रैवल कर रहा था और इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया था, सो ही वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। अब यहाँ पे अक्यूज का कंटेंशन ये था, उनका कहना ये था कि साहब मुझे पता ही नहीं कि ये नोटिफिकेशन आ गया है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये नोटिफिकेशन आया है और मुझे ये बात एक्सप्रेसली बतानी है कि मैं कितना गोल्ड लेके चल रहा हूं। अब आप बताइए क्या ये कंटेंशन एक्सेप्टेबल है कि आपको लॉ की जानकारी नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ, दैट इज नॉट मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जैसे टॉलसन से हुआ था, मिसेस टॉलसन से, कि शी वाज अंडर दैट मिसकंसेप्शन दैट इज हर हस्बैंड इज डेड, बट यहां क्या है, इनको लॉ की जानकारी नहीं है कि ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया हुआ है। एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कैरी नहीं कर सकते। ही वॉज टेकिंग दैट कंटेंशन, सो ये कंटेंशन एक्सेप्टेबल नहीं है। अब भले आपका कोई गिल्टी माइंड नहीं है, आप इस बात को समझिएगा, मेंसरिया के अंदर ये क्यों आता है, क्योंकि यहां स्पेसिफिक कोई गिल्टी माइंड नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें लॉ नहीं पता, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इवन विदाउट एनी गिल्टी माइंड यू आर लाइबल हेयर, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट कंसिडर्ड और इस केस में अक्यूज्ड को लाइबल किया गया था। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी कहानी आपको इन केसेस की बता दी है तो आई होप कि आप इन केसेस को याद रख पाएंगे, ये सब मेंसरिया से रिलेटेड हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अपन बहुत तेजी में रिविजन करने के मूड में नहीं है, वी हैव सफिशियंट टाइम, तो आईपीसी को अपन थोड़ा ऐसे करेंगे कि हर तरीके के सवाल हमसे बन जाए और थोड़ा समझ में भी आए, सिर्फ पॉइंट्स नहीं मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, थोड़ा अपन समझेंगे भी, है ना। पिछली बार थोड़ा समय कम था इसलिए उस हिसाब से किया था, अभी वी हैव टाइम फॉर दैट।
और किसी ने पूछा है क्लासेस कब तक होंगी, कितनी होंगी, तो 6 से 7 क्लास अप्रोक्सीमेटली मैंने रखा है। बहुत स्ट्रिक्ट मैंने शेड्यूल नहीं बनाया है जैसे पिछली बार था कि 2 में ही होगा, ऐसा नहीं है। मैंने 5 से 6 या 6 से 7 क्लासेस रखी है, अपने फ्लो में चलेंगे आराम से अपन, है ना, जैसा लगेगा उस तरीके से काम करते जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि बस उड़ा देना है चीजें हमें। ठीक, चलिए, तो इस अब ये तो हो गई मेंसरिया से रिलेटेड केसेस की बातें स्पेसिफिक। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि मेंसरिया को दर्शाने के लिए, मेंसरिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक्ट्स हैं हमारे, जो आईपीसी है हमारा कोडिफाइड लॉ, वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज करता है। कुछ को जानना बहुत जरूरी है जो इधर डिफाइन नहीं है। अभी अपन जनरल एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। जैसे आपको वहां वॉलंटरली की डेफिनेशन मिल जाएगी, वहां आपको डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन मिल जाएगी, वहां आपको फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन मिल जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया है या नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आज उस डिफरेंस को आपको समझाने की आईपीसी के कंटेक्स्ट में। बट इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज डिफाइन है, बट कुछ टर्म्स है जो डिफाइन नहीं है, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आगे जब अपन ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना वहां यूज होंगे, और वो एक स्पेसिफिक गिल्टी माइंड या स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं। इसलिए उनके बीच का फर्क जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें से एक टर्म है मोटिव, जो आप सबने सुना होगा, दैट इज मोटिव एक टर्म है। एक टर्म है आपका इंटेंशन। अब इनकी डेफिनेशन नहीं है भाई साहब आईपीसी में। एक टर्म है नॉलेज, और एक जैसा मैंने कहा स्टेट ऑफ माइंड, जो जनरली आईपीसी में कंसीडर नहीं होती है, सिर्फ जहां डेथ कॉज कर दें वहां कंसीडर किया जाता है, एंड दैट इज नेग्लिजेंस। ठीक, तो अब इस बात को समझिए जरा कि इनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। एक बेसिक आइडिया मेरे ख्याल आपके पास होगा, बट इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब ऑफेंस पढ़ेंगे, अगर आपको नॉलेज और इंटेंशन में फर्क नहीं पता, तो उस ऑफेंस को शायद आप बहुत अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम शायद हो सकती है, इसीलिए इन टर्मिनोलॉजीज के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मोटिव इसमें जो है, ये बात ध्यान रखना, ये मेंसरिया का पार्ट नहीं है, इससे क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स नहीं करी जाती। मोटिव रेलेवेंट किधर होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट में। मोटिव रेलेवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट में, किसी व्यक्ति का ऑफेंस प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट इससे क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज नहीं होती, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिल्टी माइंड। लेकिन इंटेंशन है उसका पार्ट, नॉलेज है उसका पार्ट, और नेग्लिजेंस भी है। तो इन सब के बीच का जो माइन्यूट एक जो डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। सो देखिए, मोटिव क्या होता है? मोटिव एक ब्रॉड आइडिया है, इट इज द अटमोस्ट ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए आप चाहें तो मोटिव की डेफिनेशन, मोटिव इज द अटमोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग अ थिंग। जैसे मैं किसी की जान लेना चाहता हूं, मुझे एक व्यक्ति का मर्डर करना है, मुझे किसी व्यक्ति को जान से मारना है। अब ये जान से मारना क्या है? रिजल्ट है मेरे एक ह्यूमन कंडक्ट का। मैं कुछ एक्ट करूंगा, मैं उस व्यक्ति को गोली मारूंगा, मैं उस व्यक्ति को चाकू मारूंगा, मैं उस व्यक्ति को जहर दूंगा, कुछ भी करूंगा, और कौन सा कंसिक्वेंस प्रोड्यूस करूंगा? डेथ का कंसिक्वेंस। अब मैं उस व्यक्ति की डेथ क्यों करना चाहता हूं, मैं वो पर्टिकुलर कंसिक्वेंस क्यों प्रोड्यूस करना चाहता हूं, दैट इज मोटिव। कि मैं वो पर्टिकुलर कंसिक्वेंस, अब मैं किसी व्यक्ति की अगर जान लेना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली बात है उसने कुछ किया होगा, तभी मैं उस व्यक्ति की जान लेना चाह रहा हूं। हो सकता है मेरी कोई राइवलरी हो उससे, हो सकता है मैंने उससे पैसे उधार ले रखे हो जो मुझे उसे वापस करना है, अगर वो जिंदा रहेगा तो पैसे मांगेगा। सो दैट कैन बी अ मोटिव बिहाइंड किलिंग अ पर्सन। सो दैट्स व्हाट वी रेफर एज मोटिव। अब अपन आते हैं इंटेंशन पे। तो इंटेंशन थोड़ी बात की स्टेज है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर ऑफेंस में मोटिव हो ही, ऐसा जरूरी नहीं, देयर मे बी एक्सेप्शंस, बट जनरली ये होता है। इसके बाद अपन आते हैं इंटेंशन पे, तो वो थोड़ी लेटर स्टेज है। जब मेरा मोटिव फ्रेम हो गया, मेरे पास एक कारण है किसी व्यक्ति की जान लेने का। अब इस बात को समझना ध्यान से, मेरे पास एक कारण है किसी व्यक्ति की जान लेने का, कि मुझे व्यक्ति को क्यों मारना है, क्योंकि मैंने उससे एक अच्छा खासा सम ऑफ मनी ले रखा है, अच्छा खासा पैसा उधार ले रखा है, जिंदा रहेगा तो वापस मांगेगा, इसलिए उसको निपटा देते हैं। ये मेरा मोटिव है। अब जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करनी है, वो मैं कोई एक्ट कमिट करके करूंगा, कोई एक स्पेसिफिक एक्ट करूंगा, जैसा मैंने कहा गोली मारूंगा, चाकू मारूंगा, जहर दूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। जब मैं ये स्पेसिफिक एक्ट कर रहा हूं जिससे मैं वो कंसिक्वेंस प्रोड्यूस करूंगा, तो मेरा वो जो कंडक्ट है, मेरा वो जो एक्ट है, वो मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में कर रहा हूं,
यहां से डिसाइड होगा आपका इंटेंशन। जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को गोली मार रहा हूं, शूटिंग का मैं एक्ट कर रहा हूं, किसी व्यक्ति को शूट कर रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, इसका मतलब यह है दैट आई हैव शूटेड दैट पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। इसीलिए इंटेंशन अगर आप लिखना चाहें शॉर्ट में तो लिख लीजिए, इंटेंशन इज द डिजायर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कंसिक्वेंस। इंटेंशन क्या होता है? इट इज द डिजायर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कंसिक्वेंस। अब देखिए, मैं किसी व्यक्ति को अगर एम करके गोली मार रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस गोली से वो व्यक्ति मर जाए, तो ये कहा जाएगा कि मैंने उस व्यक्ति को शूट किया है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, क्योंकि उस शूट करने के पीछे मैं ये चाहता था, मेरी ये डिजायर थी कि मेरे इस शूटिंग के एक्ट का ये पर्टिकुलर कंसिक्वेंस हो कि इस व्यक्ति की जान चली जाए। ये होता है आपका इंटेंशन, कि उस एक्ट को करते समय मेरा इंटेंशन क्या है। अब वो पर्टिकुलर कंसिक्वेंस जो मैं प्रोड्यूस करना चाह रहा था अपने एक्ट से, वो पर्टिकुलर कंसिक्वेंस मैं क्यों प्रोड्यूस करना चाह रहा था, वो है आपका मोटिव, कि वो पर्टिकुलर कंसिक्वेंस मैं अपने एक्ट से क्यों प्रोड्यूस करना चाह रहा था, दैट्स मोटिव। उसके बाद बात करता हूं अगर नॉलेज की मैं, तो नॉलेज में आप लिख सकते हैं ब्रीफ में, इट्स द अवेयरनेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट। जब भी आप कोई एक्ट कमिट कर रहे हैं, अगर आप उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में जानकारी रखते हैं एज अ प्रूडेंट पर्सन और एज अ रीजनेबल पर्सन, तो ये कहा जाएगा दैट यू हैव डन दैट एक्ट विद द नॉलेज ऑफ द कंसिक्वेंस। जैसे मान लीजिए, हो सकता है मैं किसी अपने एक्ट से एक व्यक्ति की डेथ कॉज कर दूं जहां मैं चाहता नहीं था मारना, लेकिन ये हो सकता है कि भाई मुझे एज अ प्रूडेंट पर्सन नॉलेज था कि मेरे इस एक्ट का कंसिक्वेंस डेथ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक नई गाड़ी खरीदी, एक बहुत अच्छी सी एसयूवी मैंने खरीदी, और उसको अच्छी खासी स्पीड में मैं एक दिन ठीक ठाक शाम के समय, ये समझिए 6-7 बजे के अराउंड, एक क्राउडेड सड़क है लेकिन मैं अपने आप को पायलट समझता हूं, और एक एसयूवी हैवी सी गाड़ी लेके मैं स्पीड में चला जा रहा हूं और रैश ड्राइव करते हुए मैं चला जा रहा हूं एक क्राउडेड सड़क पे स्पीड में। अब यहां अगर कोई व्यक्ति मेरी गाड़ी के सामने आता है और उसकी वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो क्या आप ये कहेंगे कि मेरा इंटेंशन था उस व्यक्ति की डेथ कॉज करने का? मेरे जिस एक्ट से व्यक्ति की डेथ हुई, क्या आप कहेंगे कि मैंने विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ उस व्यक्ति को मारा है? मैं जो गाड़ी चला रहा था उसके पीछे मेरा इंटेंशन डेथ कॉज करने का था, क्या ये था? बताइए। सो द आंसर इज नो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्योंकि भाई अपन तो पैसे जो खर्च किए थे, अपन तो उसको वसूलना चाह रहे थे बस, कि गाड़ी खरीदी है महंगी, पैसे दिए हैं, तो मैं तो उस गाड़ी के मजे लेना चाह रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि इससे मैं किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करूं, मैं तो अपने एंजॉयमेंट, अपने प्लेजर के लिए चला रहा था इस तरीके से गाड़ी। तो इसका मतलब क्या मैं गिल्टी नहीं हूं? द आंसर इज नो, मैं बिल्कुल गिल्टी हूं। स्टेट ऑफ माइंड जो कॉन्स्टिट्यूट करता है स्पेसिफिक ऑफेंस अलग अलग आईपीसी के, उसमें सिर्फ इंटेंशन नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे नॉलेज वर्ड भी लिखा है, आप मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे, नॉलेज भी लिखा है उसमें, कि आपको नॉलेज है अगर कि आपके एक्ट से डेथ हो सकती है और फिर भी आप वो एक्ट कमिट कर रहे हैं, तो भी आप गिल्टी ऑफेंस के लिए। अब ये टर्म आपको कई ऑफेंसेस में मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटेंशन भी मिलेगा, नॉलेज हो सकता है कुछ ऑफेंसेस में सिर्फ इंटेंशन मिले, कुछ में सिर्फ नॉलेज मिले, कुछ में दोनों मिले, तो वो स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड आपको उधर समझनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे ये डिफरेंस की चर्चा कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं करता। ये जो डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूं, ये बस इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑफेंस जब अपन पढ़ने जाएंगे वहां ये चीज दिमाग में आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इन टर्मिनोलॉजीज के बीच का डिफरेंस आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। आई होप आई हैव कन्वेड दिस टू यू, क्या डिफरेंस है मोटिव में, इंटेंशन में और नॉलेज में। तो नॉलेज इज मेयरली द अवेयरनेस ऑफ द कंसिक्वेंस, दिस इज वेयर यू डिजायर दैट कंसिक्वेंस टू हैपन। अब अगर आप इंटेंशन और नॉलेज के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे, तो नॉलेज तो अवेयरनेस तो दोनों में, पता तो मेरे को है कि मेरे इस एक्ट का ये पर्टिकुलर कंसिक्वेंस होने वाला है या हो सकता है, लेकिन नॉलेज तब कहा जाएगा जब मुझे बस पता है कि हो सकता है, मैं चाहता नहीं था, मैं वो एक्ट इस डिजायर के साथ नहीं कर रहा था कि उसका ये कंसिक्वेंस हो, लेकिन एज अ प्रूडेंट पर्सन मुझे पता था कि ये हो सकता है। और ऐसे ही एक होता है आपका इंटेंशन, जहां पे मैं ये
डिजायर कर रहा हूं, तो जहां डिजायर है वहां कहा जाएगा इंटेंशन, एंड इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया। आईपीसी में आप ऑफेंसेस पढ़ेंगे तो इट इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया। इंटेंशन इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट डिग्री, उससे थोड़ी कम डिग्री है नॉलेज, क्योंकि इसमें डिजायर खत्म हो जाती है, अवेयरनेस होती है बस। जैसे आपको पता होगा कि सलमान भाई के ऊपर एक केस चल रहा था इसी से रिलेटेड, कल्पेबल होमसाइड से रिलेटेड, की फुटपाथ पे गाड़ी चलाई है। तो अब सलमान भाई का, वैसे तो ड्राइवर ने चढ़ाई है वो गाड़ी, तो क्या इंटेंशनली ये काम किया गया था? आंसर इज नो, दैट वाज मेयरली नॉलेज। और नॉर्मली जो इस तरीके के एक्सीडेंटल केस होते हैं, एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं, उसमें जनरली व्यक्ति का इंटेंशन नहीं होता। हाँ, अगर आप इंटेंशन, जैसे मूवीज में आपने देखा है कि ट्रक लेके मर्डर करने ही वो गया है, वो गाड़ी चढ़ाई उसके ऊपर इसलिए रहा है ताकि वो कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई ऑफिसर है, उसको मार ही देना है, तब बात अलग है, तब वो इंटेंशन है, क्योंकि आप चाह रहे थे कि इस एक्ट से आप व्यक्ति की डेथ कॉज करें। अदरवाइज जनरली ये चीज नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्ट एक्सक्यूजेबल है, दैट्स व्हाई नॉलेज इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं नेग्लिजेंस पे। नेग्लिजेंस क्या है अब आखिरी? लीस्ट डिग्री। और जैसा मैंने कहा, नेग्लिजेंस किसी और ऑफेंस में रेलेवेंट नहीं है आईपीसी में, एक्सेप्ट डेथ। डेथ कॉज करेंगे तो पनिशेबल है नेग्लिजेंटली। नेग्लिजेंटली आप किसी का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दीजिए, फोन तोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आप नेग्लिजेंट एक्ट के लिए जनरली आईपीसी में जनरली आप लाइबल नहीं होते, लेकिन डेथ कॉज करने के लिए आप होते हैं, सेपरेट स्पेसिफिक ऑफेंस है। अब नेग्लिजेंस अपन कब कहेंगे? देखो, नॉलेज में रीजनेबल प्रोबेबिलिटी या एक प्रूडेंट पर्सन के हिसाब से अपन देखेंगे तो कोई भी आपकी जगह और होता, उस व्यक्ति को पता होता कि आपके एक्ट का ये कंसिक्वेंस हो सकता है। लेकिन नेग्लिजेंस जो है, दिस इज मेयरली लैक ऑफ केयर। नेग्लिजेंस वर्ड का मीनिंग क्या है? दिस इज मेयरली लैक ऑफ केयर। ये नॉलेज जितनी डिग्री नहीं है बट उससे थोड़ी कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कार ड्राइव करते हुए एक रोड पे जा रहे हैं जिसमें बहुत हाई स्पीड पे नहीं है। जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कि 120 140 की स्पीड में एसयूवी लेके जा रहा हूं क्राउडेड सड़क पे, दैट इज अनदर थिंग। वहां तो नॉलेज है, किसी भी प्रूडेंट पर्सन को नॉलेज होगा कि इससे डेथ हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक रीजनेबल स्पीड में 70 80 की स्पीड में आप जा रहे हैं और ठीक ठाक सी सड़क है, एकदम क्राउडेड सड़क नहीं है, खाली ही सड़क है थोड़ी सी, लेकिन मान लीजिए आपका फोन बगल में रखा हुआ है आपके साइड में और उस पे एक व्हाट्सएप का बहुत इंपॉर्टेंट वाला नोटिफिकेशन आता है, आप रिप्लाई, इतने नेग्लिजेंट तो आप नहीं है कि आप सीधे फोन उठा के और कॉल करने लगे हैं रिप्लाई, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला नोटिफिकेशन था तो इसीलिए आपने बस पॉपअप में देखने की कोशिश करी कि वही मैसेज है या नहीं, और इतने में कोई आपकी गाड़ी के सामने आया और आपने उसे उड़ा दिया। नाउ विल यू कॉल इट कि ये काम आपने नॉलेज के साथ किया, ये जो एक्ट आपने किया ये विद द नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ किया? नो। सो द आंसर इज नो। इसको अपन नॉलेज नहीं मान सकते एज अ प्रूडेंट पर्सन। दैट वाज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, दैट वाज लैक ऑफ केयर, सो इट इज कंसीडर्ड एज नेग्लिजेंस, नॉलेज से थोड़ा कम। नॉलेज कब रहेगा? क्राउडेड सड़क है फिर भी मैं चला रहा हूं, लाइन ऑफ एक्शन में जो विक्टिम है मेरे को पता है एज अ रीजनेबल पर्सन, बट नेग्लिजेंस उससे थोड़ी कम डिग्री, दैट इज लैक ऑफ केयर। आई होप द डिफरेंस इज कन्वेड टू यू इन सब टर्मिनोलॉजी का, क्योंकि इसके बिना भैया आईपीसी पार नहीं लगेगा। और आधी समस्या यही है, ऑफेंसेस को करेक्टली, अब आप वो जो क्वेश्चंस देखते हैं ना, वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, जिनमें एक फैक्ट दिए रहते हैं, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड एक पर्टिकुलर फैक्ट दिया है सिनेरियो और उसमें आपसे पूछा है कौन सा ऑफेंस है या कोई ऑफेंस है या नहीं, वहां परेशानी इसलिए होती है क्योंकि ये बेसिक क्लैरिटी नहीं है आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल। ये एक बार आपके दिमाग में क्लैरिटीज हो गई, देन इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं मेंस रिया में। ये स्पेसिफिक बातें थी इससे रिलेटेड। इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन इधर ये भी होता है, मोटिव तो मैंने आपको बता दिया, इट इज नॉट एसेंशियल, वो मेंस रिया का पार्ट नहीं है। एक टर्म आपने सुना होगा वाइकेरियस लाइबिलिटी, जो नॉर्मली टॉट में आपने पढ़ा होगा मास्टर सर्वेंट की लाइबिलिटी, तो क्या आईपीसी में ऐसा है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? तो ध्यान रखिएगा दो तीन पॉइंट, सेक्शन 154 और 155 ये बात करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी की, जहां आपने एक्ट नहीं किया लेकिन क्योंकि आप उस प्रमाइस के ओनर हैं और वहां पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है आप लाइबल हो जाते हैं, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी भी एप्लीकेबल है आईपीसी में, ये ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड एक केस भी है उसको भी याद रखिए, आर वर्सेस हिगिंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, R versus Higgins, that is 1730 का केस है ये,
और वाइकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी की बात करता है ये आईपीसी में। ठीक, तो आईपीसी में अगर मैं मास्टर सर्वेंट की बात करूं, क्या मास्टर लायबल होगा अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए? तो जनरली नहीं होता, क्रिमिनल लायबिलिटी शेयर नहीं करता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर मास्टर ने सर्वेंट से ऑफेंस करने के लिए ही कहा है और फिर वो ऑफेंस कमिट करता है, इन दैट केस मास्टर विल बी लायबल, अदरवाइज नॉट। तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी से रिलेटेड बात है मेंस रिया की।